अब हम सीधा बाहर चलेंगे और लकड़ियां काटेंगे। ताज़ा और गर्मा गर्म रोटियां भी पकाई जा रही हैं। बकरियां सबसे ज़्यादा शरारती जानवर हैं। हम इन्हें अच्छी तरह काट के फिर अपने घर लेकर दीवारों पर लगा जो रंग था वो पूरा सहन में आ गया। कसी की कोई मुस्तकिल रखने की जगह नहीं है। अब ये मज़े से खल और भूसा खा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है नाचिज़ एक नेवला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमारे प्यारे गांव में कामों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि गंदम की काश से पहले और बरसीम की जो घास है उसकी काश से पहले हमें ज़मीनों की सफाई करनी है। ज़मीनों में जंगली घास बहुत ज़्यादा है, साइडें में बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह शीशम के दरख्त तो हमने खैर से काट लिए हैं, मगर ये घर के साथ वाली सिर्फ एक कनाल है। नहरी के पास भी ज़मीन है और तीन कनाल हमने वहाँ पे दोस्तों ली है एक हमारे प्यारे दोस्त से। हम उसे एक कनाल घास देंगे, दो कनाल हम लेंगे। ये वाली ज़मीन पहले हमने ली थी, ये अब अंकल को वापस कर दी है क्योंकि इसका एक साल मुकम्मल हो गया है। हमारे प्यारे घर के अंदर वो सामने शहतूत का दरख्त है, इसकी सारी टहनियाँ काट के हमने अपनी प्यारी बकरियों को दे दी थी। लकड़ियाँ हमने इस ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में रख दी थी ताकि ये सूख जाए। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सूख गई हैं। सबसे पहले इन लकड़ियों को काटेंगे और घर लेकर जाएंगे जलाने के लिए, मगर इन्हें काटने के लिए हमें चाहिए कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जानवरों के बाड़े के अंदर रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों को पहले दोस्तों हम ज्वार की घास देते रहे, फिर हमने मकई ली थी, अब इन्हें खल और भूसा दे रहे हैं। अब ये मज़े से खल और भूसा खा रही हैं। खैर, अब हम कुल्हाड़ी लेंगे दोस्तों। कुल्हाड़ी हमारी बेरी के इस दरख्त के साथ लटकी हुई है, इसे उठा लेंगे और वक्त को ज़ाया किए बगैर दोस्तों अब हम सीधा बाहर चलेंगे और लकड़ियां काटेंगे। ये लकड़ियां हैं शहतूत के दरख्त की। हमारा प्यारा बेटा नुमान अली बाहर आ गया है और इसने ये एक टहनी यहाँ पे डाल दी है रास्ते के ऊपर, इसे एक साइड कर देंगे। ये दोस्तों लकड़ियाँ हैं, इन्हें अब बिस्मिल्लाह पढ़कर काटेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, ये कोई 10 से 15 टहनियाँ हैं, तो हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। इंशाल्लाह हम इन्हें अच्छी तरह काट के फिर अपने घर लेकर जाएंगे। नुमान अली बहुत ज़्यादा शरारती है, एक और टहनी वो लेके आ गया है। अब ये खेल के इसे यही रास्ते पे डाल देगा और ये रास्ता भी बंद हो जाएगा, उसके अलावा हमारी लकड़ी भी ज़ाया हो जाएगी। खैर, मेरी इस पर नज़र है, जब ये टहनी खेल के डाल देगा फिर मैं इसे वहाँ पर रख दूँगा। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर बिस्मिल्लाह पढ़कर मज़ीद लकड़ियाँ काटेंगे। टहनी को दोस्तों कुल्हाड़ी की मदद से काटने का आसान तरीका ये है कि पहले हम ये वाली छोटी छोटी जो डालियाँ हैं ये काट लेंगे, फिर मेन लकड़ी बचेगी उसके भी फिर दो तीन टुकड़े कर लेंगे। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये देखें, अब ये मेन लकड़ी बच गई है, इसे भी दो टुकड़े कर देंगे। थोड़े ही टाइम में हमने लकड़ियों की एक गठड़ी बना ली है, कुल्हाड़ी यहाँ पे रख देंगे। ज़मीन भी अब हमारी खैर से सेंटर से साफ़ हो गई है, यानी कि सारी लकड़ियाँ काट के हमने यहाँ पे रख दी हैं। अब इन लकड़ियों को दोस्तों घर लेकर जाएंगे, जहाँ पे हमारा चूल्हा है वहाँ रख देंगे और वक्तन फवक्तन इन्हें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कसी लेकर आएंगे, इस ज़मीन की जो चारों साइडें हैं वो बनाएंगे। लकड़ियों की हमें बहुत ज़्यादा कमी थी, यहाँ पे आप देख रहे हैं लकड़ियाँ बिल्कुल नहीं हैं। अब यहाँ पे ये रख देंगे
तवे पे बड़ी ही ताज़ा और गर्मा गर्म रोटियाँ भी पकाई जा रही हैं। शुक्र है अब लकड़ियाँ हैं हमारी। कल ही दोस्तों हमने अपने कमरे की सफाई की, दीवारों पर लगा जो रंग था वो पूरा सहन में आ गया है। पानी की मदद से हमने सफाई की थी। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम हमारा घर बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। अब हम अपने प्यारे घर से बाहर चलेंगे। बाड़े का दरवाज़ा खुला हुआ है, चल के एक दरांती लेंगे और कसी लेंगे। दरांती हमारी हर बार की तरह दोस्तों शीशम के इस दरख्त के ऊपर रखी हुई है। कसी को ढूंढना पड़ेगा। कसी की कोई मुस्तकिल रखने की जगह नहीं है, कभी इन कच्चे कमरों में होती है तो कभी वहाँ पे जहाँ पे टोका मशीन है। खैर सबसे पहले कच्चे कमरे में देखेंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे तो दोस्तों नहीं दिखाई दे रही। कुल्हाड़ा ये रखा हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं है। साथ वाले कमरे में देखेंगे। पहले इसे अच्छी तरह बंद कर देंगे। अगर ये रहा खुला तो बकरियाँ अंदर चली जाएंगी। मैंने आपको कहा है ना दोस्तों, कसी की मुस्तकिल जगह नहीं है। जो बंदा जहाँ उठाता है फिर वहीं पे नहीं रखता। बकरियाँ हमारी हर बार की तरह खुरली के अंदर बैठी हुई हैं। खैर इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए हम कोई खाने की चीज़ नहीं लाए जो हम खुरली में डालें और इन्हें तंग करें। खैर दूसरे कमरे में चल के देखेंगे। ये कमरा काफ़ी साफ है दोस्तों, यहाँ पे भी नहीं है। ये पुराना बाड़े का दरवाज़ा रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों हमारे देसी डंबल छोटे भाई ने बनाए हुए हैं। खैर यहाँ भी नहीं है। अब टोका मशीन वाले कमरे में चल के देखेंगे। इस कमरे का दरवाज़ा खुला रहता है, बकरियाँ आती और जाती रहती हैं, क्योंकि ये कमरा बकरियों के लिए स्पेशल है। जानवरों में दोस्तों जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि बकरियाँ सबसे ज़्यादा शरारती जानवर हैं। अब लकड़ी के ऊपर वो सुर्ख रंग की बकरी चढ़ गई है। यहाँ देखते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मंजे के नीचे कसी रखी हुई है। कसी यहाँ रख देंगे, दरवाजे को बंद कर देंगे। कसी को फिर उठाएंगे, कंधे पे रख दिया है। दरांती को भी उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे जो हथियार है ना वो मुकम्मल है। कसी भी हमने ले ली है और दरांती भी। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर चलेंगे दोबारा अपनी ज़मीन की तरफ। फिर से दोस्तों कसी और दरांती को रख देंगे, इस दरवाजे को बंद करेंगे। दोबारा उठाएंगे कसी और दरांती। अब आ गए हैं अपने खेत में हम। उम्मीद है कि आज इसकी सफाई मैं कर लूँगा। मुर्गियाँ सुबह सवेरे आ गई हैं गोबर को फैलाने के लिए, क्योंकि इन्हें यहाँ पे दाने और कीड़े वगैरह मिलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर यहाँ से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से अपना काम शुरू कर दिया है और कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह ये जो एक कनाल है इसकी चारों साइडें कसी की मदद से मैं ऐसे बना लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज़मीन की जो साइड है मैंने वहाँ तक बना दी है। शुक्रिया हमारे प्यारे भाईजान का, अब वो आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ तक मेरे ज़िम्मे है, जहाँ तक पराली रखी हुई है। जहाँ पे पराली है वहाँ पे घास है। दरांती की मदद से चल के अब मैं उस घास को काटूँगा। दोस्तों अक्टूबर के महीने में भी पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, काम जो कर रहे हैं। खैर अब मैं सीधा वहाँ चलूँगा जहाँ पर जंगली घास है।
है, दोस्तों हमारे नसीब की तरह ये जंगली घास भी जालिम है, अगर ज़रा बेहतियाती की तो हाथों को कट लग जाता है। खैर, इस घास को हम यहाँ पे रख के ऐसे ही इसकी जो साइडें हैं घास है उसे हम दरांती की मदद से अब साफ करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने ज़मीन की साइडें खैर से बना ली हैं और अब ज़मीन खूबसूरत दिखाई दे रही है। बाकी जंगली घास की भी कटाई हमने कर ली है। यहाँ पे कुछ शीशम के छोटे मोटे दरख्त पौधे थे, वो भी हमने काट के यहाँ रख दिए हैं। जंगली घास बहुत ज़्यादा थी और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा अब थक गया हूँ। इस इलाके को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।